हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम श्योर आप सभी ने तो टाइटैनिक मूवी देखी होगी, जो एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। मूवी में आपको टाइटैनिक नामक एक जहाज़ के डूबने का कारण, बहुत सारे लोगों के मौत का कारण और उसके बाद फेमस जैक एंड रोज की लव स्टोरी के बारे में दिखाया गया है। दरअसल 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक नामक का एक जहाज़ जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था, उस बीच वह एक आइसबर्ग से टकराने के कारण नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया था। इस एक्सीडेंट में 1500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यह एक्सीडेंट 20th सेंचुरी का बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। 1985 को फ्रेंच अमेरिकन के टीम कॉरपोरेशन से टाइटैनिक का बचा हुआ मालवा दुनिया को मिला था। टाइटैनिक का यह हॉरिफिक इंसिडेंट लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो गया था कि लोग टाइटैनिक के बचे हुए हिस्से को देखने के लिए करोड़ों के रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार हो गए थे। लोगों में यह क्यूरियोसिटी देख और यह एडवेंचर के लिए क्रेज देख बहुत सारे कंपनीज सबमर्सिबल वेसल्स में लोगों को बैठा कर सी लेवल से 12,500 फीट नीचे लेकर उन्हें यह टाइटैनिक के पीस दिखाया करते थे। इस ट्रिप के लिए पर पर्सन $2,50,000 चार्ज किया जाता है और यह सिर्फ 8 घंटे की जर्नी होती है। रिसेंटली USA बेस्ड ओशन गेट नामक एक फर्म ने 5 लोगों को एक सबमरीन में बैठा कर टाइटैनिक के बचे हुए हिस्से को दिखाने के लिए पानी के अंदर ले गए थे, जिनमें ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फाउंडिंग मेंबर स्टॉकिन रश, फ्रांस के पूर्वतन नेवी कमांडर पॉल हेनरी, ब्रिटिश बिलियनियर बिजनेसमैन हैमिश, पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजाद दाविद और उनके बेटे थे। पानी के अंदर जाने के 1-2 घंटे तक तो उनका कांटेक्ट था, लेकिन उसके बाद उनका कांटेक्ट टूट गया था। यह सब इंसिडेंट 18 जून 2023 को हुआ था और उस सबमरीन में सिर्फ ऑक्सीजन 96 आर तक ही मौजूद था। बहुत टाइम के कांटेक्ट ना मिलने पर कंपनी ने US कोस्ट गार्ड को यह इन्फॉर्म कर दिया था और US कोस्ट गार्ड ने उन्हें यह कंफर्म कर दिया था कि सबमरीन खोने के कुछ घंटे बाद ही एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट को सोनार में अंडर वाटर इम्प्लोजन का सोनार वेव डिटेक्ट हुआ था। इसका मतलब सबमरीन अंडर वाटर प्रेशर को बर्दाश्त न कर पाने के कारण इम्प्लॉयड हो गया था और उसमें बैठे लोगों की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वाटर प्रेशर ओशन के अंदर इतना ज़्यादा था कि सबमरीन इम्प्लोजन 20 सेकेंड के बाद ही उन सबकी मौत हो गई थी। उनका ब्रेन सबमरीन एक्सप्लोजन के न्यूज़ को प्रोसेस करने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। यह एक बेहद दर्दनाक घटना है। इस घटना में जिन लोगों की मौत हो गई है उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। टाइटैनिक एक कर्स के तरह आज भी दुनिया को हॉन्ट करते हुए दिख रहा है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि एक दर्दनाक हादसे को जो लोग देखने गए थे वही एक दर्दनाक मौत का शिकार हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाई।